ये है माहौल देखो सुबह सुबह का, एकदम गरम गरम कड़ी है। मतलब जयपुर शहर है ना, ई रिक्शा, अच्छा मौसम और ऐसे पोहे, मतलब दिन बन गया। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। मैं गलता गेट से आता हूँ यहाँ इतनी दूर से। बाकी जिसकी जो इच्छा खाओ, समोसा खाओ, लेकिन मैन कड़ी कचौड़ी है। दोस्तों ये बन रहे हैं अमरूद के पकोड़े, बनने वाले हैं। और केले की पकोड़ी और अमरूद की पकोड़ी है, अमरूद का आप ये देख सकते हो, इसके अंदर ये अमरूद है, ये केले की बन रही है। हमारे पूर्व जो है ना सिंध में से आए हुए, हैदराबाद से, हिंदुस्तान पाकिस्तान हुआ था तो उसका सिंध जयपुर में 13 दुकान 13 जने आए थे। यही कंसिस्टेंसी होनी चाहिए दाल पकवान में, दाल खा सकते हो। तो दोस्तों वेलकम टू वर्चुअल बंजारा, मेरा नाम है आशीष और आज मैं आपको लेकर के आया हूँ वही सिटी एरिया में जहाँ हम आज भी जो हिडन, जो बहुत ही कम एक्सप्लोर किया हुआ स्ट्रीट फूड है उसे एक्सप्लोर करेंगे और आपको बताएंगे कि आप अगर सिटी एरिया में आते तो और क्या क्या जायके आप खा सकते हैं। तो देर नहीं करते, आइए चलते हैं। यह दड़ा मार्केट, जोरी बाजार, हल्दियों का रास्ता, कानोता मार्केट के नीचे, कन्या नमकीन भंडार। 30 साल से तो मैं कर रहा हूँ, उसके पहले पापा जी करते थे। यहाँ खास बात हमारी कड़ी की है, जो 25 साल से कंटिन्यू कड़ी चल रही है, कड़ी कचौरी। बाकी जिसकी जो इच्छा खाओ, समोसा खाओ, लेकिन मेन कड़ी कचौरी है। यूनिक मसाले उसके अंदर, मेथी है, दाना मेथी है, धनिया है, दही, प्योर दही से बनाते हैं हम लोग कड़ी। बेसन और दही तो है ही मेन, बाकी इसमें मसाले हींग डालते, बढ़िया हींग का जायका लगाते हैं। प्याज कचौरी है, ब्रेड पकौड़ा है, समोसा है, मिर्ची बड़ा है, दाल कचौरी और आलू कोफ्ता है। तो सबसे ज़्यादा कड़ी के साथ क्या लगता है? कचौरी, कचौरी, दाल कचौरी। पूरा मार्केट 11 बजे बाद, जैसे जैसे मार्केट खुलता है वैसे वैसे पब्लिक अच्छा आना चालू हो जाती है, और 11 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक कंटिन्यू पब्लिक रहती है, बनकर कंटिन्यू बनते रहता है। हम विशेष साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, फ्राई तो यहाँ होता है, बाकी तैयार अंदर कारखाना, अपना कारखाने के अंदर होता है। 7:30 बजे चालू हो जाती है सुबह, रात को 9 बजे तक रहती है। बना रहा हूँ मैं आपके लिए दाल कचौरी। ये चटनी डालते हैं इसमें, मीठी हरी चटनी दोनों डालते हैं। देखो हम लोग कचौरी समोसे तो आपको पहले भी दिखा चुके हैं, लेकिन यहाँ पे आने का जो हमारा मकसद है वो है इनकी कड़ी के लिए। ये जो कड़ी बनाते हैं ना, ये बेसन की, दही और बेसन की कड़ी होती है, ये बहुत ही शानदार होती है। इनके जो टेस्ट है ना, अगर आपको जयपुर में कड़ी कचौरी खाना है, ये कॉम्बिनेशन खाना है, तो आपको एक बार यहाँ पर ज़रूर आना पड़ेगा। पहले भी मैंने खाया हुआ है, बट मैं आज फिर से आपको दिखाने के लिए यहाँ पर आया था, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है ये पूरे जयपुर में यहाँ सबसे बेहतर मिलता है। मतलब और ये ऊपर से एक मीठी चटनी भी डालते हैं इमली की, जिससे जायका जो है वो बहुत ही यूनिक हो जाता है। मतलब टेस्ट बहुत ही अच्छा है, और कड़ी मेन चीज़। अगर मुझे ये कॉम्बिनेशन खाना होता है पर्टिकुलरली, तो मैं यहाँ ज़रूर आता हूँ। तो अगर आप भी इस कॉम्बिनेशन को खाना चाहते हो, तो आप भी एक बार यहाँ पर आकर ये कॉम्बिनेशन ज़रूर खा के देखिएगा। बाकी इस जगह का जो एड्रेस है, जो लोकेशन है, वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। एक आप ब्रेड पकौड़ा भी लगाना है यार, ठीक है। चेंज होगा आपके लिए, ठीक है। तो ये है ना ब्रेड पकौड़ा, ये है कड़ी, और ये है हरी चटनी इसमें, है ना, धनिया की हरी चटनी, धनिया की हरी चटनी। ये है भाई साहब, ये है माहौल देखो सुबह सुबह का। मैं यहाँ रोज आता हूँ खाने के लिए, मैं जो बहुत पसंद आती है यहाँ पे कचौरी कड़ी मिल लेता हूँ, लेकिन अच्छी लगती है बहुत। मैं गलता गेट से आता हूँ यहाँ इतनी दूर से। तो ये है माहौल यहाँ का, सिटी का, और ये है, एक बार इसको भी टेस्ट करके देखते हैं। हालांकि बहुत सॉफ्ट है ये, इतना धुआं निकल रहा है, एकदम गरम गरम कड़ी है। ये देखो बहुत ही बढ़िया टेस्ट है। मतलब ये टेस्ट जो है ना, जितनी भी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ, जब तक आप ट्राई नहीं करोगे ना इनको, आप इनका जो टेस्ट है वो नहीं आप समझ पाओगे। आई थिंक जब भी आप जयपुर में, क्योंकि जयपुर बहुत बड़ा मार्केट है, आप यहाँ पे ख़रीदारी करने आएँ कभी भी बड़ी चौपड़ वाला रास्ता पे, वहाँ से अगर आप घी वालों के रास्ते में आएंगे, तो ये सारे मार्केट्स हैं, डेडिकेटेड मार्केट्स हैं। और ये एक दड़ा मार्केट है जहाँ पे ये शॉप है, कन्हैया नमकीन भंडार, वहाँ की ये कुछ चीज़ें हैं, कड़ी कचौरी, कड़ी समोसा और कड़ी ब्रेड पकौड़ा, बहुत बढ़िया।
स्ट्रीट फूड है साहब, इंडिया में बहुत ही जायके होते हैं स्ट्रीट्स में, ये भी उनमें से एक है। अब हमने ये कर लिया है ट्राई, अब हम चलते किसी दूसरी डेस्टिनेशन पे और आपको दिखाते दूसरा जायका। जयपुर में सबसे पुरानी जगह है जहाँ पर आपको दाल पकवान, सिंधी दाल पकवान मिलेंगे। तो जहाँ आज हम दाल पकवान खाने आए हैं, ये एक छोटी सी दुकान है, आप देख सकते हो बिल्कुल छोटी सी, इन्होंने ये बाहर ये अपने चबूतरे पे लगा रखी है, इनकी दुकान हालांकि अंदर है। और ये सुबह 8 बजे से सुबह ही 11 बजे तक ये लगाते हैं, 3 घंटे में मतलब ये अपना जो भी है दाल पकवान बेच के चले जाते हैं। हालांकि हम बहुत सुबह आ गए इसलिए आपको भीड़ नहीं दिख रही, सैटरडे संडे यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है। और आप देख रहे होंगे कि ये इस तरह से दाल पकवान बनाते हैं और ये इस तरह से डीप फ्राइड होता है, और ये दाल पकवान के साथ साथ दाल पूड़ी भी देते हैं, आप जो भी खाना चाहते हैं वो यहाँ पर खा सकते हैं। और यहाँ पे इनके पास में ये चटनी होती है इमली की, और ये कुछ मिर्ची और प्याज ये इसमें डाल करके आपको देते हैं, और ये इस तरह से दुकान है। तो आइए अब हम खाते हैं और आपको बताते हैं यहाँ का टेस्ट कैसा है। सिंध में आया हिंदुस्तान हैदराबाद, ये दुकान कम से कम 50-60 साल से ऊपर हो गया, हमारे पिताजी ने खोली थी ज्योतिमल हलवाई, उसके बाद उनके 90 में डेथ होने के बाद मैंने दुकान संभाली है, 32 से ऊपर ही हो गया उनके साथ ही करता था मैं, पहले हमारा काम बहुत अच्छा चलता था, अभी क्या है हमारा इलाका खाली हो गया है। क्या है पहले यहाँ सिंधी मारवाड़ी पंजाबी पूरे थे, अब कॉलोनी में बस गए, कॉलोनी में चले गए सारे लोग, अब आते हैं तो देर से आते हैं, ये थोड़ा धंधा देर से होता है। मैं सुबह 8 बजे दुकान खोलता हूँ, 6 बजे माल बनाना चालू करता हूँ, 9 बजे तक 10:30 बजे तक बनाता हूँ, 10:30 बजे बाद गिराई होती है 10 बजे से। दाल पकवान 25 रुपये का, पूरी 20 रुपये 6 है, उसके साथ दाल है, दाल प्याज चटनी मिर्च मसाला, ये पकवान, ये दाल, ये चटनी इमली धनिया और ये प्याज और मिर्ची मिर्ची लाल। दाल पकवान जो है वो जयपुर में बहुत ही कम जगहों पे मिलता है, और यहाँ ये बोल सकते हैं कि जो ट्रेडिशनल सिंधी स्टाइल से बनता है, जो टेस्ट उसका प्रॉपर होना चाहिए, वो आपको बहुत कम जगह पे मिलता है। और आप देख सकते हैं इनकी प्रिपरेशन बिल्कुल सादी और सिंपल है, ये दाल है, दाल पकवान का जो कॉन्सेप्ट एक्चुअली होता यही है, चने की दाल और मूंग की दाल को उबाल के फेंट के इस तरीके से बनाई जाती है, और उसके बाद में इसमें सादे से मसाले यानी कि हरी मिर्च और सादे से मसालों के साथ इसको प्रिपेयर किया जाता है। उसके बाद में जो मेन फ्लेवर आता है दाल के साथ में, वो आता है इमली की चटनी का, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है, और ये होता है पकवान। तो अब खाकर देखते हैं, क्योंकि मैं भी एक सिंधी फैमिली से बिलोंग करता हूँ तो मुझे पता है कि एग्जैक्ट उसका टेस्ट क्या होना चाहिए, तो देखते हैं क्या इसका टेस्ट वो है या नहीं। तो आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये है दाल, यही कंसिस्टेंसी होनी चाहिए दाल पकवान में दाल की, और ये आप देख रहे हैं ऊपर से मिर्ची, लाल मिर्ची और जो चटनी मैंने बताई थी इमली की वो डली हुई है, प्याज डला हुआ है। तो अब एक बाइट, दाल पकवान का टेस्ट जैसा होना चाहिए बिल्कुल वैसा है। मैंने कहा था ना, ये दाल की कंसिस्टेंसी देख के मैं समझ गया था कि दाल बहुत अच्छी होने वाली है। ये कॉम्बिनेशन जो है बहुत सूदिंग होता है, जब आप ये खाते हो तो ये आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कुछ भारी खा लिया, जैसे हम लोग कचौरी समोसे खाते तो खाने के बाद में बहुत स्टफ सा फील करते हैं कि बहुत भारी हो गया, ऐसा दाल पकवान के साथ नहीं। आप इस तरह के 3 दाल पकवान में खा सकते हो एक बार। अगर आप भी दाल पकवान खाने के शौकीन हैं या फिर अगर आप ये चीज़ कभी आपने नहीं खाई और ट्राई करना चाहते हैं, तो एक जगह है जयपुर में जहाँ पर आप आ सकते हो और इसको ट्राई कर सकते हो। बाकी आई हाईली रिकमेंड कि आप लोग यहाँ पर आएँ और एक बार इसको टेस्ट करके देखें। हमारे पूरे जो है ना सिंध में से आए हुए हैदराबाद से, हिंदुस्तान पाकिस्तान हुआ था तो उस सिंधी जयपुर में 13 जने आए थे हलवाई का काम करने वाले, अलग अलग एरियो में अलग अलग दुकानें निकली थी। हमारे पूर्वजों ने यहाँ इस दुकान पे डेरा जमाया था, फिर ये अलग अलग दुकानें, फिर कुछ दुकानें बंद हो गई, कुछ ठेले लग गए। रविवार शनिवार रविवार को मेरे बात करनी फुर्सत नहीं मिलती है और काम धंधा खूब होता है, एक मिनट की फुर्सत नहीं होती है। तो ये जो जगह है मैं आपको बता देता हूँ एक बार, ये जब आप जो बड़ी चौपड़ है उससे रामगंज की तरफ आते हैं तो आपके लेफ्ट हैंड पे जो पानों का दरीबा जिसको बोलते हैं जगह, तो ये जो गली आती है लेफ्ट हैंड पे दाबा जी का खुर्रा बोलते हैं इसको,
यहाँ पे जैसे ही आप गली में नीचे उतरेंगे, बस 100 मीटर की दूरी पे आपको आपके राइट हैंड पे ये शॉप दिखेगी, जो कि ये अंकल हैं यहाँ पे, इनका नाम है भगवान दास, जो कि इनकी जो ये दुकान है ये इनके पुरखों की है और 50 से 55 साल पुरानी ये दुकान है और ये उन्हीं की लेगेसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और ये दुकान संभाल रहे हैं। दाल पकवान बहुत ही टेस्टी है, मैंने अभी खा करके देखे। तो ये था आज के लिए, अब हम चलते हैं दूसरी जगह पर और आपको दिखाते हैं दूसरा जायका। तो आइए, सर जी 21 साल से ऊपर टाइम हो गया, पोहे में अलग ही कुछ ऐसी खास बात है जो टेस्ट सबसे हटके आता है, इसकी क्वालिटी अलग है। अपन हर चीज नाप तोल कर डालते हैं कि पोहे नमकीन, और नमकीन डालते हैं तीन तरह की, रतलामी, खट्टा मीठा, बीकानेरी, भुजिया, ये धनिया डाल दिया और ये डाल दिया, ये डाल दिया मसाला, ये लेमन डाल दिया। हमारी टाइमिंग है सुबह 5:30 बजे से 1 बजे तक। ये मिर्च डाल दी, चिली, यस 20 रुपये देने, तुम्हें ये इसमें ये भी डालते हैं ना, पनीर, ये काजू, ये किशमिश, अनार दाने, कितने की? 20। तो दोस्तों ये है A1 पोहा भंडार से, अभी हमने ये A1 पोहा लिया है। इसमें देखो हालांकि क्या होता है, पोहे आपको बहुत सारी जगह पे मिलते हैं ना, लेकिन कुछ एक जगह पे फेमस हो जाते हैं। तो ये श्री A1 पोहा भंडार जयपुर का उसी फेमस पोहा में से एक है। यह आपको बड़ी चौपड़ से जब आप रामगंज की तरफ थोड़ा सा चलते हो आगे 100 मीटर, तो आपको वहीं पे मेन रोड पे आपके लेफ्ट हैंड पे दिखेगा। और ये देते हैं पोहे, ये देते हैं खमन, और ये देते हैं खांडवी, जो कि गुजराती डिश हैं। तो सबसे पहले ये पोहे, अब पोहे में देखिए कि क्या खास है, क्या अलग है कि इन्होंने पोहे के ऊपर काजू डाला है, किशमिश डाला है और तीन तरह की नमकीन डाली है, और ये पनीर क्रश करके डाला है। ये देख सकते हैं आप, इसमें ड्राई फ्रूट्स आपको दिख रहे होंगे, है ना। और इन्होंने दो तरीके के मसाले डाले, तो सबसे पहले हम मसाला पोहा ट्राई करते हैं इनका। पोहा अच्छा है, मतलब जो दो मसाले डाले ना उसमें से, तो एक तो चाट मसाला है और एक जो गरम मसाला होता है वो है। जब मैं खा रहा हूँ तो वो गरम मसाले वाला टेस्ट आ रहा है। अभी एक और बाइट लेते हैं काजू के साथ में, मतलब जयपुर शहर है ना, ई रिक्शा, अच्छा मौसम और ऐसे पोहे, मतलब दिन बन गया, इससे बेहतर कुछ ही नहीं हो सकता। अगर आप भी जयपुर में आते हैं तो इस तरीके का जो एक्सपीरियंस है वो आप लेंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा आपको। अब हम ट्राई करते हैं दूसरी चीज़, जो कि है खमन ढोकला। खमन ढोकला की प्रिपरेशन बहुत ही सिंपल सी है, ये खमन है, इसके ऊपर एक ग्रीन चटनी इन्होंने डाली है और थोड़ी सी भुजिया इसमें इन्होंने डाली है, बीकानेरी सेव, और ये एक खमन में जो चाशनी होती है, खमन का जो पानी होता है वो कम मीठा है, बैलेंस्ड है। सॉफ्टनेस आप देख सकते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट है, टेस्ट अच्छा है, यानी यहाँ पर एक ऑटो करके आया जा सकता है और ये टेस्ट को एंजॉय किया जा सकता है। तो दोस्तों अभी जो आज हम नेक्स्ट आए हैं, यह है जोरावर सिंह गेट, आप मेरे पीछे देख सकते हो। जब आप आमेर की तरफ चलते हो ना तो ये जोरावर सिंह गेट आता है, और वहीं पे इधर पास में आप देख सकते हो खंडेलवाल चाट भंडार है। अब खंडेलवाल चाट भंडार हम क्यों आए हैं, देखिए इनके पास भी कचौरी, समोसे, ये सारी चीज़ें तो हैं जो हम ऑलरेडी आपको दिखा चुके हैं, लेकिन इनके पास वो चीज़ें जो जयपुर में और कहीं नहीं मिलती, यानी सब तरीके की पकौड़ियाँ। मतलब आपने पकौड़ी खाई होगी आलू की, आपने खाई होगी मिर्ची की,
दाल की और पनीर का पकौड़ा आपने खाया होगा या फिर पालक का पकौड़ा आपने खाया होगा। इनके पास मिक्स वेजिटेबल का पकौड़ा भी है और उसके अलावा दो तीन अलग पकौड़े हैं इनके पास, जैसे अमरूद का पकौड़ा आपने कभी नहीं खाया होगा, आपने केले का पकौड़ा नहीं खाया होगा, यानी कि केला चिप्स जरूर, बनाना चिप्स जरूर खाई होगी। तो ये सारी जो कॉम्बिनेशन हैं इनके पास में, जो वेराइटी है पकौड़ों में, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती है, तो इसलिए मैं आज आपको यहाँ पर लेकर आया हूँ। मेरे को हो गए 32 साल से, स्पेशलिटी दाल की कचौड़ी, प्याज की कचौड़ी, समोसे, मिर्ची बड़ा, बटाटा बड़ा, ब्रेड पकौड़े, और ऐसा है आपको कचौड़ी समोसे हर जगह मिल जाएंगे, परंतु ये पकौड़ियाँ हैं ना मेरे यहाँ कई तरह की बनती हैं, आलू की, मिर्ची की, गोभी की, प्याज चिप्स, मिक्स वेजिटेबल, दाल की, और उसका नाम क्या है, खीरे की, टंडे की, केले की, अमरूद की, सारी पकौड़ी मेरे यहाँ जब भी आएगा कस्टमर, और पनीर की जब भी कस्टमर आएगा सबको अर्जेंट तैयार मिलेगी। ग्रीन चिली है, ये पटाटो है, ये मिनी कोफ्ते हैं, ओनियन पकौड़ी है प्याज वाली, ये मिक्स वेजिटेबल है, अच्छा दाल की पकौड़ी और केले की पकौड़ी और अमरूद की पकौड़ी, ये कम से कम नहीं मेरी यहाँ 15 तरह की पकौड़ी मिलती हैं। पकौड़ी के साथ में एक तो सॉस देते हैं, एक मीठी चटनी देते हैं, एक ग्रीन चटनी देते हैं, एक लहसुन की चटनी देते हैं, और इनके साथ में कढ़ी देते हैं, कचौड़ी समोसा वगैरह इनके साथ में। सुबह 5 बजे से रात के 9 बजे तक, ना कोई त्यौहार की छुट्टी, ना कोई संडे की छुट्टी, कैसी भी कोई छुट्टी नहीं, 6-7 आदमी का स्टाफ मेरे पास में काम करता है। ये 50 रुपए की 250 ग्राम, 20 रुपए की 100 ग्राम, रीजनेबल रेट है हमारे यहाँ। चटनी वगैरह अलग दे देता हूँ। तो ये आप देख सकते हो ये प्लेट है, हालांकि जो अमरूद और जो केला के हमने आपको बताया था वो अभी बनेगा थोड़ी देर में, बट ये जो अभी हमने लगवाया है ये पालक का है, एक इसमें मिक्स वेज है, एक ये छोटा सा कोफ्ता है, ये देखिए इसमें आलू का जो कोफ्ता में होता है मसाला वो है, मिनी कोफ्ता, अच्छा ये मिनी कोफ्ता है, और ये मिर्ची के पकौड़े हैं, और ये आलू का है, और गोभी का भी है इसमें, पनीर के अब बनेंगे, तो ये सारे हैं। और ये सारी चीज़ें सर्व होती हैं, एक तो ये कढ़ी के साथ में, ये है कढ़ी, जो कढ़ी कचौरी का हमने आपको दिखाया था पहले भी, और ये है इसमें दो चटनियाँ, एक तो हरी वाली और एक मीठी वाली, दोनों मिक्स हैं इसमें। तो एक बार खा के देखते हैं, सबसे पहले ये मिनी कोफ्ता जो है ये खा करके देखते हैं चटनी के साथ में। मतलब देखो मौसम तो अच्छा हो ही रहा है, अगर इस बीच बारिश आ जाती है तो पकौड़े से अच्छा तो कुछ होता ही नहीं है। जो कॉम्बिनेशन है बारिश, पकौड़े और चाय का, चाय भी हालांकि इनके पास में ही डेयरी है वहाँ पे मिल जाती है, परफेक्ट। अगर सुबह का नाश्ता अगर आपको पकौड़े का करना है तो आप यहाँ पर आकर के कर सकते हो, और यही मकसद था इस जगह को दिखाने का कि अगर आप पकौड़ों के शौकीन हैं और आप एक ही जगह पर सारे पकौड़े खाना चाहते हैं तो ये एक सबसे बेस्ट जगह है। पनीर के पकौड़ों के लिए पनीर यहाँ पर काटा जा रहा है, ये आप देख सकते हो, तो ये आप काट रहे हो अमरूद अब, है ना? तो दोस्तों ये बन रहे हैं अमरूद के पकौड़े बनने वाले हैं, इसमें केले भी हैं, तो ये केला भी काट रहे हैं अंकल अब इसमें। तो ये ज़्यादातर लोग क्या पसंद करते हैं, केले वाला पसंद करते हैं, अमरूद वाला, या सारे? सारे ही पसंद करते हैं। तो ये पहला एक्सपीरियंस होगा हमारा, हम अमरूद और केले के भी यहाँ पर ये खाएंगे पकोड़े बनेंगे। तो ये आपको आइडिया कहाँ से आया कि केले और अमरूद का बनाना चाहिए? जी मेरे पिताजी से 1968 में लिया है मैंने। वो तब भी बनाते थे? हाँ। क्या बात, चलिए बनाइए, दिखाइए। तो इसके ऊपर ये आप मिर्ची डाल रहे हो ना? मिर्ची भी डाल रहे हैं और गरम मसाला भी डाल रहे हैं। मिर्ची और गरम मसाला। तो ये अब एक एक करके आप इसका, ये केले की बना रहा हूँ मैं, ये केले की बना रहा हूँ। ये अमरूद के पकौड़े हैं, अमरूद वाले, केले और अमरूद। तो दोस्तों ये अभी आपने देखा था मैंने थोड़ी देर पहले जो पकौड़े खाए थे वो तो चलो आपने कभी ना कभी खाए होंगे, लेकिन ये जो पकौड़े हैं ये है, एक तो है ये केले का यानी बनाना का, और एक है अमरूद का।
तो ये आप देख सकते हो, इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये अंदर केला है, बनाना सी। अब इसको तो हम चटनी के साथ नहीं खाएंगे, इसको हम ऐसे ही खा करके देखते हैं। मुझे लगा था कि जब मैं केले का खाऊंगा तो मुझे थोड़ा सा पकोड़े जैसा या तीखा स्वाद आएगा, क्योंकि इसका लगा था कि जो बेसन का गोल है इसका ज़्यादा टेस्ट आएगा, लेकिन केले का बिल्कुल टेस्ट आ रहा है। मतलब खाया जा सकता है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये कॉम्बिनेशन है तो अच्छा नहीं होगा, बट अच्छा कॉम्बिनेशन है। अब ये है दूसरा, ये है अमरूद का, आप ये देख सकते हो इसके अंदर ये अमरूद है, ठीक है। तो अब इसको भी एक बार खा करके देखते हैं। अमरूद का जो मीठा स्वाद है वो ख़त्म हो चुका है इसमें, लेकिन अमरूद का जो फ्लेवर होता है ना वो बिल्कुल आपको लगेगा, और क्योंकि ये फीका सा स्वाद लेकर के, तो इसको आप चटनी के साथ ज़रूर खा सकते हो। बट जो केले वाला है उसको आप बिना चटनी खाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है। बढ़िया, अलग कॉम्बिनेशन है, एक बार ज़रूर ट्राई किया जा सकता है। इसीलिए आई थिंक आप सबको एक बार आना चाहिए और एक बार ये ट्राई ज़रूर करके देखना चाहिए। तो जो प्राइजेज़ हैं वो हैं, आप यहाँ पे जितने भी पकोड़े लेंगे सबके लगभग सेम प्राइजेज हैं, यानी कि 20 रुपये के 100 ग्राम, और अगर आप पनीर पकोड़ा लेंगे तो उसका बस चेंज है, जो कि है 35 रुपये 100 ग्राम, बाकी सबका लगभग सेम प्राइस है। मॉनसून चल रहा है, बारिश का मौसम है, यहाँ आइए और इन्जॉय कीजिए। बहुत ही सिंपल सा रास्ता है ये, जोरावर सिंह गेट के पास में ये खंडेलवाल चाट भंडार। और आपकी कुछ भी क्वेरी है इन सारे वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं। सो दिस इज़ इट फॉर नाउ, आज के लिए इतना ही, अब मैं आपसे मिलूँगा किसी और वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी।